नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा पे। आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं, आप देखेंगे क्या होता है प्रेपोजिशन, उसके एग्जाम्पल और उसमें जो कन्फ्यूजन जिसमें क्रिएट होता है, आज वो हम कन्फ्यूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वो प्रेपोजिशन लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होते हैं प्रेपोजिशन। जरा इसकी हेडिंग जो है उसमें नज़र डालिएगा, इसमें क्या है प्री फिर पोजिशन। पोजिशन मतलब क्या होता है? पोजिशन होता है हमारा स्थान। ठीक, और प्री ये होता है पहले। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा? पहले स्थान पे आते हैं। ठीक है, मतलब पहले प्रयोग किए जाते हैं, पहले ये प्रयोग किए जाते हैं। किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि वो जो है उस मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़े हैं उसका अन्य मतलब जो और जो सेंटेंस में और जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ ना रिलेशन बताते हैं, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, आप समझ गए? मतलब प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, है ना। फिर जो बाकी जो बचा सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेशन बताते हैं उस नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, इनटू, अपॉन, बिटवीन, अमंग, फॉर, सिंस, अंडर, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, एक्सेट्रा। ठीक, प्रपोजिशन बहुत होते हैं। आज हम जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट करते हैं एग्जाम में, आज हम उनको देखेंगे। लेकिन पहले प्रपोजिशन का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, टेबल से पहले क्या आया है हमारा? अंडर, ये हमारा हो गया प्रपोजिशन। अब ये जो है किससे रिलेशन बता रहा है? किसका रिलेशन बताएगा? जिसके साथ जुड़ा है वो उस नाउन का। ये हमारा हो गया नाउन, ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। ये इस नाउन के साथ जुड़ा हुआ है टेबल के साथ। ठीक है, और बाकी क्या सेंटेंस है? द कैट इज सिटिंग। अब जो बाकी वर्ड्स है उसका टेबल से कनेक्शन बता रहा है, मतलब रिलेशन बता रहा है जो कैट है वो कहाँ है। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट का टेबल से रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। दूसरा एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। बाय हो गया हमारा प्रेपोजिशन, बस हो गई हमारी क्या? नाउन। अब इस नाउन का बाकी वर्ड से रिलेशन बता रहा है क्या? कौन बता रहा है? बाय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाता हूं किसके द्वारा? बस के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बाय है इसने किसका काम किया? एक रिलेशन बताने का काम किया, मतलब स्कूल जाने का और बस का रिलेशन बताया है। तो ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं कुछ कन्फ्यूजन जो क्रिएट करते हैं एग्जाम में, कन्फ्यूजिंग पेयर्स। जैसे हमारा हो गया अमंग और बिटवीन। अमंग और बिटवीन, ये दोनों का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, लेकिन जब हम अमंग का यूज़ करते हैं तो उसमें ना दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, या फिर दो से ज़्यादा वस्तुएं होनी चाहिए, दो से ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए, दो से अधिक के संदर्भ में। अधिक, जब दो से अधिक चीज़ें हो, लोग हो, तब उनके जब लिया जाता है, उनको जब लिया जाता है तब हम किसका यूज़ करते हैं? अमंग का। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, एक क्लास में कितने? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब टीचर जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब मिठाई बांट रहा है, मतलब बांट दी है उसने किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? कई स्टूडेंट्स होंगे, तो उसने सभी स्टूडेंट्स को स्वीट्स बांट दी है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो दो से अधिक ही हैं। क्लास में तो कई स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब पचासों की संख्या में होते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा अमंग, क्योंकि स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा हैं, बहुत हैं।
अब आया बिटवीन, दो के बीच में, जब दो चीज़ों की बात होती है उनके बीच में बिटवीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो टीम है, ठीक है, और दोनों के बीच क्या होगा, मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये लगाया हमने बिटवीन, क्योंकि दो टीमें हैं दोनों के बीच में मैच खेला जाएगा, तो वहाँ पे हमने बिटवीन लगा दिया। और दूसरा देखिए, देयर इज़ अ टूर्नामेंट, ठीक है, यहाँ पे हम आ लगा देते हैं, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे हो गई तीन, तो क्या हमको यहाँ पे अमंग लगाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे हमारा ही बिटवीन ही लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि टूर्नामेंट में क्या होता है, मैच खेला जाता है, और मैच किसके बीच में होता है, दो टीमों के बीच में होता है, ठीक है। तो टीमें जो खेलने वाली हैं वो तो दो ही है ना, मतलब एक टाइम पे दो ही टीमें खेलेंगी, भले यहाँ पे कई सारी टीमें हों, तीन हों चार हों कुछ भी हो, लेकिन जो टूर्नामेंट है उसमें जो मैच हैं वो दो ही टीम एक बार में दो ही टीम खेलेंगी साथ में, वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब तीन चार टीम ग्राउंड पे आ जाए वो खेलने लगे, वैसा नहीं होता है। तो यहाँ भी क्या है, परस्पर क्रिया हो रही है दो टीमों के बीच, जब जहाँ परस्पर क्रिया होती है वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, आइए देखते हैं कुछ और कन्फ्यूजिंग पेयर्स, ठीक है, जैसे फॉर और सिंस। फॉर और सिंस में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, फॉर के दो मतलब हैं, एक होता है के लिए और एक समय के रिगार्डिंग, ठीक है। सिंस का भी एक समय के रिगार्डिंग होता है और एक होता है क्योंकि या चूंकि जिसको हम कहते हैं। फॉर का के लिए के हम एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। पुलिस किस लिए है, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, तो द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। अब आते हैं अवधि का उल्लेख हो, जब मतलब हमको जो टाइम है, टाइम मतलब जो काम है जो कब से शुरू हुआ ये नहीं पता है, बस टाइम का ड्यूरेशन पता है कि एक घंटा हुआ है, दो घंटा हुआ है, दस साल है, पाँच साल है, बस ना आगे का कुछ पता है कब से शुरू हुआ और ना पीछे का कुछ पता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का, जहाँ पे हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, केवल अवधि पता होती है, केवल ड्यूरेशन पता होता है टाइम का। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो यहाँ पर 10 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, मतलब ये भी नहीं पता है कि कब से उसने रहना शुरू किया, केवल हमको टाइम ड्यूरेशन पता है कि उसने यहाँ पे 10 साल से रहना, मतलब 10 साल से वहाँ रह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब सिंस का यूज़ होता है जब शुरुआती समय पता हो, मतलब स्टार्टिंग टाइम हमको पता हो कि 1 बजे से हो रहा है कि 2 बजे से है, 3 बजे से, या फिर 2009 से, 2010 से, 2021 से, ठीक है, मतलब हमको शुरुआती टाइम पता है। तो देखते हैं एग्जांपल, आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2019, मतलब मैंने उसको 2019 से नहीं देखा है। तो यहाँ पे क्या लगा है, सिंस, और क्या हमको बताया गया है, शुरुआती टाइम, 2019 से नहीं देखा है मैंने उसको, ठीक है। अब कितने साल हो गए हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो अगर यही 3 साल से नहीं देखा है अगर हम कहते तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का, ठीक है। जैसे आई हैवेंट सीन हिम फॉर 3 ईयर्स, तो उस जगह हम फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन हमको टाइम पता है शुरुआत का कि मैंने उसको 2019 से नहीं देखा, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंस। अब देखते हैं चूंकि, चूंकि या क्योंकि, सिंस आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्योंकि, सिंस का अर्थ क्योंकि में भी आता है। एक और एग्जांपल, जैसे सिंस ही ड्रोव फास्ट ही मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब ही ड्रोव फास्ट, उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई तो क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंस है, आई वॉज इल, कई लोग यहाँ बीच में सो भी लगाते हैं, सो नहीं लगाया जाता है, उसकी जगह कॉमा यूज़ किया जाता है, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम हेयर, ठीक है, ये समझ गए। अब आया अक्रॉस और थ्रू, अक्रॉस और थ्रू में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अक्रॉस के दो मतलब हैं हमारे, एक तरफ से दूसरी तरफ,
जाना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, जैसे नदी पार करना एक किनारे से दूसरे किनारे, ठीक है। और हुआ उस पार, जैसे हम एक पार हैं दूसरी पार की हम चीज़ को दिखा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो देखो उस पार मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है। जैसे रोड पे है तो होता नहीं है कि दोस्त वेट करता है, हम इस पार हैं वो उस पार है, तो हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड इज़ वेटिंग अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस पार मेरा वेट कर रहा है। तो ये हुआ उस पार का, एक तरफ से दूसरी तरफ आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर तो हम बिल्कुल उसके बीचों बीच नहीं तैरेंगे ना, एक किनारे से दूसरे किनारे ही जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब एक किनारे से हम उसके दूसरे किनारे पे पहुँच गए हैं, मैंने उसको तैर कर पार कर लिया है। जैसे ये हमारी हो गई रिवर, ठीक है, ये हमारी रिवर हो गई। अब हमने यहाँ से तैरना शुरू किया और यहाँ तक निकल गए, ठीक है, ये हमने पार कर ली है, यहाँ पे तो ऑब्वियस बाउंड्री होगी मिट्टी की, तो यहाँ से हमने तैरना शुरू किया और यहाँ निकल गए, तो हमने क्या किया, नदी को पार कर लिया है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर निकल गए हैं, तो वहाँ पे हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अरे देखिए थ्रू के जरिए या गुजर कर, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में हाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, जैसे ट्रेन जो होती है, ट्रेन जब जाती है तो कई सारी टनल पड़ती हैं, है ना, टनल के अंदर से गुजरती है, तो वही मतलब उससे गुजरना टनल के अंदर से, मान लीजिए क्या है, ये एक टनल हो गई, ऐसी हो गई, ऐसे मान लीजिए, ऐसी होती नहीं है, तो ट्रेन क्या हुई, ट्रेन इस तरफ से गई और इधर से निकल गई, ठीक है, तो ट्रेन क्या हुई, ट्रेन जो है टनल के जरिए गई है ना, मतलब इसके अंदर से ही होके जा रही है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, थ्रू। एक बात नोटिस कीजिएगा, ये जो थ्रू होता है ना, थ्रू में देखिए कैसे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब अक्रॉस में देखिए, अक्रॉस में नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये नदी है और हमने इसको बीच से पार कर दिया, मतलब वर्टिकली इसको हम निकल गए हैं, तो अक्रॉस जो है वर्टिकली पार करने के लिए हो गया, और जो थ्रू है हमारा क्या कैसे पार करते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल पार करते हैं, जैसे ये सड़क है और हम सड़क के थ्रू जा रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी, बताइए, ये हो गया हमारा थ्रू, ठीक है। अब ये सड़क है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ सड़क है, हम यहाँ पे हैं, मेरा दोस्त यहाँ पे है, और हमने यो पार कर दिया है, ठीक है, एक पार से दूसरी पार, तो वहाँ पे हो गया हमारा अक्रॉस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं ऑन, ऑन अपॉन ओवर और अंडर, ऑन अपॉन ओवर इन सब का मतलब होता है के ऊपर, अपॉन का भी मतलब के ऊपर, भाई ओवर का भी मतलब के ऊपर ही होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, फिर समझते हैं। द पेन इज ऑन माई हैंड, द पेन इज ऑन माई हैंड, ये मेरा पेन है और ये मेरा हैंड है, ठीक है, द पेन इज ऑन माई हैंड, मतलब जब पेन जो है हमारे हैंड के संपर्क में है, मतलब स्पर्श में है, छू रहा है और ऊपर है, मतलब जब चीज़ जो है किसी सरफेस को टच करती हुई ऊपर रहती है, यहाँ पे लिख देते हैं स्पर्श, स्पर्श करती है, तो हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, अपॉन के ऊपर। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, मतलब जो कैट है रैट के ऊपर कूदी, कूदी मतलब उसमें मोशन हो रहा है, ये नहीं बताया गया है, मतलब स्पर्श नहीं किया है अभी, मतलब कूदी है, मतलब इसमें जो है मोशन बताया गया है, मतलब कैट जो है उसमें गतिमान हो चुकी है रेड के ऊपर, ठीक है, जब मोशन के साथ ऊपर आना होता है तब उसको क्या कहते हैं, अपॉन ओवर के ऊपर, इसका मतलब भी के ऊपर है। द पेन इज ओवर माई हैंड, अब देखिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, द पेन इज ओवर माई हैंड, बीच में क्या है, बीच में स्पेस है, खाली जगह है, तो डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर होते हैं, जब टच में नहीं होते हैं तो वहाँ हम ओवर का यूज़ करते हैं, द पेन इज ओवर माई हैंड जैसे, ठीक है, और ये क्या, जैसे वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है,
के ऊपर, मतलब बीच में जगह खाली होनी चाहिए, बीच में बताएं ना, बीच में जगह खाली होनी चाहिए। तो ये जब संपर्क में नहीं होते हैं, इसको हम लिख देते हैं स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। अब आइए अंडर के नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे है, ये तो सीधा सीधा है, इसको समझ गए होंगे, इसको मैंने पहले ही समझाया था आपको। अब देखिए ओवर और अंडर ये दोनों कौन सी पोजीशन बताते हैं, ये दोनों बताते हैं वर्टिकल पोजीशन। जैसे ये हो गए इंसान हो गया कोई, हम हो गए ओवर, ये हो गई रूफ, है ना, और अंडर द कैट इज अंडर द टेबल, ये कैट हो गई हमारी, ये हमारी हो गई टेबल, ठीक। अंडर ये वर्टिकल पोजीशन बताते हैं, नीचे ये मतलब ये नीचे नहीं होगा, ये तो ऊपर होगा, ओवर और अंडर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रपोजिशन जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, जैसे ऑन टाइम और इन टाइम, कब हमको ऑन टाइम का यूज़ करना चाहिए, कब हमको इन टाइम का यूज़ करना चाहिए। ऑन टाइम मतलब समय पर, ठीक है, इन टाइम मतलब समय से, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, मतलब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो एक निर्धारित टाइम होता है कि वो 10 बजे शुरू होगा, ठीक है, तो द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन 10 AM, ठीक है, टाइम क्या है हमारा 10 AM, मतलब पहले से ही निर्धारित है कि एग्ज़ाम जो है 10 बजे शुरू होगा, मतलब ऐसा तो है ना कि एग्ज़ाम कभी भी शुरू हो जाए, किसी को बताया ही ना, उसमें टाइम होता है कि 10 बजे शुरू होगा, उससे पहले सबको आ जाना है। अब देखते हैं दूसरा, वी रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, अब हमारे पहुंचने का कोई निर्धारित टाइम तो है नहीं, अब हम घर से निकले हैं, कोई मार्जिन लेके चलते हैं ना, जैसे 10 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, तो जब हम आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने से पहले, तो हम क्या लिखते हैं कि हम जो है एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पे पहुंच गए, मतलब समय से हम पहुंच गए थे, तो वी रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है। अगर टाइम निर्धारित हो किसी चीज़ का, जैसे ट्रेन का भी टाइम होता है, निर्धारित होता है कि ट्रेन जो है 10 बजे आएगी या 10 बजे पहुंचेगी, 11 बजे आएगी 11 बजे पहुंचेगी, ऐसे होता है ना टाइम, तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखें कैसे, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम निर्धारित है पहले से, और वी रीच द स्टेशन इन टाइम, ठीक है, क्योंकि निर्धारित तो है नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, हम लोग कभी देर हो जाती है ट्रैफिक की वजह से, कभी हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, तो वो जिसमें हमको निर्धारित नहीं होता टाइम का, उसके में हम क्या कहते हैं इन टाइम। अब देखते हैं इन और इन टू, इन का मतलब होता है में या के अंदर, जैसे द पेन इज इन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में पेन है, अंदर है, ठीक है, और ये है मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसमें मोशन कोई है नहीं, बस ये पड़ा हुआ है मेरे हाथ में है। अब देखते हैं इनटू, अंदर आता हुआ, ही जंप्ड इनटू द रिवर, अब हमने बना दी एक ये रिवर, ठीक है, एक ये बना दिया, अब ये कूदा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मोशन, तो ये कूदते हुए अंदर आ रहा है रिवर में, तो जहाँ पे मोशन होता है और रिवर के अंदर जाता हुआ दिया जाता है, जैसे अंदर आता हुआ मतलब उसमें कूद रहा है, अंदर जा रहा है रिवर के, तो जिसमें मोशन होता है उसमें हम क्या लगाते हैं इनटू, मोशन के साथ इनटू, अगर मोशन नहीं है जैसे द पेन इज इन माई हैंड, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो ये क्या क्या यूज़ होगा इन। अब देखते हैं बाय और विद, बाय मतलब के द्वारा, विद मतलब से मतलब कोई औजार हो, हथियार हो, जरूरी नहीं है औजार हो हथियार हो, जैसे आई हैव अ पेन टू राइट विद, समझ गए ना, मतलब ये जो पेन है यही मेरा औजार हो हथियार हो गया, ठीक है, वो तीर भाले पे नहीं जाना है, औजार हथियार वो उसके अलावा ये भी होता है, पेन भी होता है,
के द्वारा, इसको समझते हैं एग्जांपल से। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद अ स्टिक। स्नेक किसके द्वारा मारा गया? बाय द मैन, मैन के द्वारा मारा गया, ठीक है। और किससे मारा गया? विद अ स्टिक। तो इसमें हमारा औजार क्या हो गया? स्टिक हो गई। और जरिया क्या हो गए? बाय, जरिया हो गया हमारा द मैन। जो मैन था उसने स्नेक को मारा, किससे मारा? एक छड़ी से मार दिया, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, बाय मतलब के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम होता है, और विद मतलब जिससे किया जाता है, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विद अ पेन, ठीक है। बाय हिम, जो लेटर है उसके द्वारा लिखा गया है, किसके थ्रू, मतलब किससे लिखा गया है? पेन से लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद। याद रखिएगा, ये जो है डिस्पाइट ऑफ जो एग्जाम में आता है उसके आगे ऑफ लगा होता है, तो यही नहीं लगाना है, ये बहुत आता है एरर में, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल पे, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद? वर्किंग हार्ड, मतलब मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसमें यही दोनों जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक के साथ ऑफ होता है, एक के साथ नहीं होता है। डिस्पाइट के साथ नहीं होता है, इंस्पाइट के साथ होता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब रिच होने के बावजूद, रिच होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है, वो खुश नहीं है। तो जो पैसा होता है वो खुशी नहीं खरीद सकता है, ठीक है। खुशी अंदर से होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए आदमी, तभी खुशी होती है। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे डिस्पाइट हो गया हमारा प्रेपोजिशन, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ। ध्यान रखना है एग्जाम में डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रेपोजिशंस। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। तो हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो दें आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।